ओके तो हमारा लास्ट टॉपिक लास्ट चैप्टर खत्म हो चुका है हमारा। ओके मैट्रिक्स चैप्टर हमने कर लिया, अभी जो नेक्स्ट चैप्टर चालू करने वाले हैं हम लोग उसका नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। फोर्थ चैप्टर है आपका मैथ्स वन का। ओके मैट्रिक्स मैंने करा दिया, अभी फोर्थ चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले बता दूं मैं आज चैप्टर चालू करने वाला ही नहीं, ये मैं भले नाम लिख कर रखा है पर चालू आज मैं नहीं करूंगा, इस वीडियो में चालू नहीं करने वाला, क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले ये चैप्टर अगर पढ़ना है तो मैथ्स वन लेवल की बेसिस आपको पता होना चाहिए। लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, अगर डायरेक्टली या बेस चैप्टर पढ़ने जाओगे तो दिक्कत होगा, नहीं समझेगा अच्छी तरह से। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले लर्न चाहिए, बायड चाहिए और यूज कैसे करते हैं सीखना पड़ेगा। तो आज मैं बेसिक के बारे में आपको बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो से मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ओके तो सबसे पहले देख लो लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं मैं ऊपर से बताता हूं। जैसे कि देखो पहला फॉर्मूला ये सबसे इजी फॉर्मूला, आपने टेन में भी सीखा है, इलेवन में भी सीखा है कि लाइन का स्लोप निकालने के तीन ही फॉर्मूले, दुनिया में और कोई फॉर्मूला नहीं है। पहला फॉर्मूला है हमारा, देखो टिक मार्क किया है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला आपका कैसे, देखो ये लाइन मान लो नाम दिया मैंने ए बी। ओके अब ये दो पॉइंट से पास हो रहा है, वन टू थ्री फोर। ओके ये दो पॉइंट से पास पास हो रहा है, इसका मुझे स्लोप निकालना है। ओके तो सिंपल बात है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये वाला, तो यहां पर हमको लिखना है स्लोप ऑफ कौन सा लाइन, ये दिख रहा है फॉर्मूला आपको क्या है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। वापस बता रहा हूं मैं, ये मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं ताकि आप कुछ एक बार रिवाइज हो जाए का, तभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके तो सिंपल देखो कोऑर्डिनेट को क्या नाम देना है, इसको x1 y1 नाम दिया और इसको x2 y2 नाम दिया, वाइस वर्सा भी कर सकते हो, वाइस वर्सा मतलब क्या होता है, जैसे इसको x2 y2 दिया, इसको x1 y1 दो और इसको x2 y2 दो, आंसर सेम आएगा, डालते हैं फॉर्मूले में। चलो y2 क्या है बताओ हमारा, कितना है बताओ 4 माइनस y1 कितना है हमारा 2, x2 कितना है हमारा 3, एक्स वन कितना है हमारा 1, बोल आंसर क्या है 4 माइनस 2 कितना होता है 2, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, 2 और 2 कट आंसर कितना है, सॉरी आंसर कितना है 1। ओके ये फॉर्मूला कब लगता है, लाइन का स्लोप निकालने के लिए, जब लाइन कितने पॉइंट से पास हो रहा है, दो पॉइंट, पहला चीज क्लियर हुआ। नेक्स्ट ये क्या है हमारा एक्स वाई एक्सिस। ओके अब हम ये फॉरवर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा, ये कब लगता है। ओके तो सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, ये लाइन है हमारा, थोड़ा डायग्राम मेरी अच्छी है थोड़ा एडजस्ट कर लेना, तो ये लाइन है हमारा ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन में इस डायग्राम में देख सकते हो लाइन इस x एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब कितना डिग्री एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो आप लोग को बोला इस लाइन का स्लोप निकालो, छठ से आप क्या करोगे थीटा क्या डालोगे 60 डिग्री, यहां डालोगे आप tan थीटा, थीटा क्या डालोगे 60 डिग्री और tan 60 की वैल्यू जाके देखने का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो कि होती है रूट थ्री, हो गया इसका स्लोप, हो गया। लेकिन इसमें भी एक चीज आपको ध्यान देना है, यहां जो थीटा होता है, थीटा मतलब क्या है एंगल है, वो तो पता होगा एंगल है बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसके बीच में एंगल है, लाइन के बीच में और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में, किसके बीच में एंगल है लाइन के बीच में और पॉजिटिव, जैसे कि देखो ये एंगल किसके बीच में आ रहा है लाइन के बीच में और ये एक्स एक्सिस, वो भी कौन सा एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये तो पता होना चाहिए पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव क्या होता है, इस साइड वाला पॉजिटिव होता है इस साइड वाला क्या होता है नेगेटिव होता है। अब बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात हुई ना, अगर यही डायग्राम में मैं क्या करूं ऐसा एंगल बोलूं, इस डायग्राम में मैंने एंगल चेंज कर दिया ऊपर की तरफ कर दिया, तो जो बच्चे थोड़े कम सोचते हैं जिनको पता नहीं है वो क्या करेंगे थीटा एंगल क्या लेंगे 30 डिग्री, tan 30 वन अपॉन रूट थ्री, रॉन्ग है, हमको क्या बोला है एंगल किसके बीच में होना चाहिए लाइन के बीच में और पॉजिटिव एक्सिस के बीच में, क्या लाइन एक्स के बीच में एंगल है, जरा चेक करो ये लाइन के और वाई एक्सिस के बीच में एंगल है, ये गलत है। तो ऐसे किसी को क्या करना है, ये 90 होता है
90 में 30 निकाल गया, ये क्या बचा 60, तो हमको थीटा के लिए कराना है 60 डालना है। ओके अब इसमें डाउट आता है बच्चों को, देखो अगर मैंने डायग्राम ऐसे दिया ओके बच्चों ध्यान दो डिस्टर्ब मत करो प्लीज ओके, ये हमारा लाइन है, ये दिया हमको 60 डिग्री, अब बोलेंगे स्लोप निकालो तो बच्चे बोलेंगे हाँ हाँ सर ने बोला था एंगल किस किसके बीच में होना चाहिए, लाइन के और एक्सिस के बीच में, तो बराबर ये लाइन है ये एक्स एक्सिस है, डाल दिया क्या डाला आपने थीटा यानी 60 डिग्री, टैन 60 की वैल्यू कितनी √3, रॉन्ग है। अरे गधो मैंने क्या बोला है एक्स एक्सिस होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए पॉजिटिव, क्या ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नहीं ये कौन सा एक्सिस है नेगेटिव, तो अपने को एंगल उस तरफ से चाहिए इस तरफ इस साइड से चाहिए, क्या करोगे सिंपल है लीनियर पेयर सुना होगा आपको, लीनियर पेयर ऑफ एंगल ये पूरा क्या होता है 180 होता है, तो पता होगा ना यहां से यहां तक लेके 180 होता है, तो अपने को ये दिया है और ये चाहिए सेट एंगल चाहिए पॉजिटिव वाले से, तो क्या करोगे पूरा 180 होता है ये बचा 60 तो ये कितना हो जाएगा 120, तो तुम्हारा थीटा की वैल्यू क्या होगी 120 डिग्री। इसको आगे सॉल्व कैसे करना है इसका मैं अलग टॉपिक सिखाऊंगा डिटेल में, तो आपको पता होना चाहिए आपने 11 में सीखा है कैसे करते हैं इसको, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं मैं डी पे जा रही हूं, अगर डी पे बताऊंगा तुम कंफ्यूज होगे, मैं हर नेक्स्ट टॉपिक सिखाऊंगा तो बता दूंगा। हम लोग क्या करते हैं इसको लिखते हैं 180 क्या लिखते हैं -60, जाके देखो फॉर्मूला होगा tan 180 माइनस 60 का, tan 180 माइनस 60 होता है tan 60 कौन सा माइनस, ओके मैं ऊपर से बता रहा हूं ये सिखा चुका ऑलरेडी, फिर भी चैप्टर में जब आएगा टॉपिक तो मैं अच्छे से सिखाऊंगा, अभी फिलहाल मेरा फोकस इसके ऊपर माइनस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, ये फॉर्मूले से है समझ गया, मतलब एंगल किसके बीच में होना चाहिए लाइन ऑफ एक्स एक्सिस। थर्ड है तो हमारे दोनों फॉर्मूले हो गए, थर्ड चीज जो है थर्ड फॉर्मूला दिख रहा है आपको माइनस ए अपॉन बी, सबसे सिंपल फॉर्मूला यही है, ये आपको लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ये फॉर्मूला फर्क समझो, ये दोनों फॉर्मूला कब लगाते हैं जब स्लोप लाइन नहीं होता, और ये फॉर्मूला कब लगाते हैं लाइन का इक्वेशन होता है हमारे पास, सिंपल देखो फॉर्मूला क्या है हमारा माइनस ए अपॉन बी, अब जरा बताओ इसमें ए बी कौन है, ये हमारा ए है ये हमारा बी है, जो एक्स का पति होता है वो ए होता है, जो वाई का पति होता है वो बी होता है, जो किसी का पति नहीं होता वो सी होता है, फिलहाल सी की जरूरत नहीं है, जा सकता है सी, माइनस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, ओके फॉर्मूला समझ गया टॉपिक, सबसे इजी फॉर्मूला। अब स्लोप का हो गया, क्या सीखा स्लोप के बारे में हमने, स्लोप के हमारे पास तीन ही फॉर्मूले, दुनिया में कोई फॉर्मूला नहीं है, पहला m = tan थीटा जो कि एंगल किसके बीच में होना चाहिए लाइन और x एक्सिस, तीसरा फॉर्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1 जब दो पॉइंट से लाइन पास हो रहा है तब ये फॉर्मूला यूज होता है, और तीसरा जब इक्वेशन दिया रहेगा तब यूज होता है, x का पति a y का पति b, ये तुम्हारे तीन फॉर्मूले, टॉपिक खत्म हो गया, नेक्स्ट लेते हैं लास्ट टॉपिक हमारा लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, समीकरण बोलते हैं हिंदी में, ओके तो देखो इसमें फॉर्मूले 4-5 है, पर मैं आपको ज्यादा दिमाग में प्रेशर डालूंगा नहीं, मैं उतना ही फॉर्मूला आपको दूंगा जितना इस चैप्टर में यूज हो रहा है, बेसिकली जो आपको पता होगा मोस्टली ये दोनों ही यूज होता है, तो पॉइंट फॉर्म टू पॉइंट फॉर्म, लेकिन एक आध क्वेश्चन है इस चैप्टर में जिसमें ये फॉर्मूला यूज होता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्मूला, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले किससे, तो पॉइंट फॉर्म नाम बोलता है, नाम से मालूम है जिसका जिस लाइन का स्लोप दिया है और एक पॉइंट दिया, जैसे कि मैं बोलू आपको ये लाइन है ओके ये पॉइंट से पास हो रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है 1-2 और इसका स्लोप दिया है 3, लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रहा है 1-2 और उसका स्लोप दिया है कितना 3, हमको बोला इससे इक्वेशन निकालो, सिंपल स्लोप पॉइंट स्लोप दिया है पॉइंट दिया है स्लोप दिया है पॉइंट दिया है, तो कौन सा फॉर्म स्लोप पॉइंट फॉर्म, बताओ फॉर्म में क्या होगा y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स, चलो x वन कौन होता है ये पॉइंट x1 और y1 होता है, x2 y2 मत लेना, x2 y2 इधर है क्या फॉर्मूले में x1 y1 डाल दो फॉर्मूले में, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2 m मतलब 3 x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है देख लो, सॉल्व कराना चाहिए
फिर भी एक सॉल्व करके दिखाता हूँ, आगे तुमको करना मैं ही करेगा। ओके मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ फॉर्मूला कब पा कैसे होता है। एक सॉल्व करके दिखाता हूँ, y माइनस टू बराबर थ्री मल्टीप्लाई कर दो, थ्री इंटू एक्स क्या हो जाएगा थ्री एक्स माइनस थ्री इंटू वन क्या होता है थ्री। सर्वन इकड़े गया, सबको यहाँ ले लो, क्या हो जाएगा बोलो, देखो प्लस थ्री एक्स इधर क्या बन जाएगा माइनस थ्री एक्स। ओके फिर कौन आता है इसके बाद कौन आता है वाई, तो वाई इधर ही है ना, तो सेम रहेगा, साइन क्या है इसकी प्लस है, ये तुम्हारा क्या है प्लस वाई, माइनस टू भी इधर ही है माइनस टू एज इट इज, वहां से कौन आ रहा है माइनस थ्री, इधर क्या बन जाएगा प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। वापिस से देख लो यार आना चाहिए वैसे था, प्लस थ्री से रहा क्या बन गया माइनस थ्री एक्स, वाई इधर ही है तो साइन सेम रहेगी, नंबर भी इधर ही है तो साइन सेम रहेगी, देखिए माइनस थ्री वहां से रहा क्या बन जाएगा प्लस थ्री, क्या हो जाएगा बोलो माइनस थ्री एक्स प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा बताओ माइनस टू प्लस थ्री कितना होता है वन, साइन आएगी प्लस थ्री साइन थ्री बड़ा। ओके माइनस से पहले तो साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस इज इक्वल टू जीरो, जीरो के साइन नहीं चेंज नहीं होती तुम्हारा आंसर। ओके मैंने एक बार सॉरी दिखाया, आगे तुमको करना है मैं इसे बता दिया, मेरा काम है सिर्फ वीडियो बताना कौन सा फॉर्मूला कभी सकता है। ओके स्लोप पॉइंट, स्लोप भी दिया रहेगा पॉइंट भी दिया रहेगा। ओके नेक्स्ट टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है, टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट मतलब दो बिंदु दिए रहेंगे, इसका इक्वेशन स्लोप इक्वेशन निकालना है सिंपल, दिख रहे फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू, दिख रहे फॉर्मूला सेकंड वाला क्या है फॉर्मूला वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू, कुछ पहले बताया मैंने इसको x1 y1 नाम देना है और इसको x2 y2 नाम देना है, x माइनस x1 कौन है जरा बताओ 1, x1 कौन है वापस बताओ 1 माइनस, x2 कौन है 3 y माइनस, y1 कौन है बताओ 2, y1 कौन है 2 और y2 कौन है तुम्हारा 4, अब इसको आगे तुम सॉल्व कर लोगे क्या का बताओ x माइनस वन अपॉन ये कितना हो जाएगा बताओ माइनस टू वाई माइनस टू कितना हो जाएगा माइनस टू कर डिनोमिनेटर सेम है तो कट जाता है, बाकी जो बचा तो नुकसान होगा उसका आंसर आ जाएगा, जब दो पॉइंट दिया रहेगा तो उसका इक्वेशन कौन सा फॉर्मूले से निकलता है टू पॉइंट। एक लास्ट है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल माने कोई चीज दो होगी, इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है नहीं सुना पर मुझे बताओ इंटरसेक्ट मतलब सुना होगा आपने, इंटरसेक्ट सुना ही नहीं सुना है, अब बताओ इंटरसेक्ट और इंटरसेप्ट में फर्क क्या होता है, पता नहीं होगा बहुत लोगों को पता रहता नहीं, अब बता दू जब दो लाइन इंटर जब दो लाइन मिलते हैं एक दूसरे से तो उसको इंटरसेक्ट बोलते हैं, जब दो लाइन या दो रे टच करें दूसरे को उसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्ट, लेकिन अगर एक लाइन एक एक्सिस से मिलेगा उसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्ट, क्या बोला एक लाइन या तो एक्स एक्स को टच करेगी या वाई एक्सिस को या जेड एक्सिस को, जेड फिलहाल तो है नहीं पर बता दे रहा हूं मैं, अगर एक लाइन किसको टच करेगी एक्सिस को तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग इंटरसेक्ट। ओके मैं डायग्राम में दिखाता हूं आपको, ये लाइन देखो एक्स है और ये वाई, ओके ये लाइन क्या कर रहा है एक्स एक्सिस को टू पे टच कर रहा है y एक्सिस को 3 पे टच कर रहा है, लाइन x एक्सिस को 2 पे टच कर रहा है और y एक्सिस को 3 पे टच कर रहा है, तो अगर कोई बच्चा आपको उठ के पूछेगा बताओ ये 2 क्या है तो 2 क्या है x इंटरसेप्ट, 2 को क्या बोलोगे x इंटरसेप्ट, 3 क्या है y इंटरसेप्ट, 2 को क्या बोलोगे y इंटरसेप्ट। ओके x इंटरसेप्ट को डिनोट किया जाता है a से और y इंटरसेप्ट को डिनोट किया जाता है b से, याद रखो x इंटरसेप्ट को a से y इंटरसेप्ट को b से, तो इस हिसाब से हमारा x इंटरसेप्ट ये हुआ तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा a हो जाएगा, y इंटरसेप्ट हमारा ये हुआ तो ये क्या हो जाएगा हमारा b हो जाएगा, अब देखा है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या है फॉर्मूला हमारे पास x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1, क्या है बताओ एक इंटीग्रल डालो तो x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 बराबर 1, क्रॉस कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, समझ रहे मेरी बात, मेन तुम्हारा ये दोनों फॉर्मूला है ये तीन और ये दो फॉर्मूला है वो तो मैंने इस ऊपर से बता दिया क्योंकि एक जगह यूज होता है फॉर्मूला। ओके स्लोप दिया है पॉइंट दिया है स्लोप पॉइंट फॉर्म,
दो पॉइंट दिया है तो टू पॉइंट